दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को अच्छा कप्तान मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान की टीम को 7 विकेट से चटाई धूल, ढकेल फेंका वर्ल्ड कप से बाहर। लेकिन भारत की होते हुए भी भड़क उठी सानिया मिर्जा ने कही आग बबूला कर देने वाली बात। फिर हार्दिक पांड्या ने दिया ऐसा मुंहतोड़ करारा जवाब कि सुनकर पूरा भारत देश कर रहा है सलाम। तो दोस्तों आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप मुकाबले के बाद जो सानिया मिर्जा और हार्दिक पांड्या के बीच बहस हुई है वो तो आपको वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और बाबर आजम में से कौन अच्छा कप्तान है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों भारत और पाकिस्तान की टीम जब भी आमने सामने होती है तो रोमांच की सभी हदें वर्ल्ड कप में तो पार हो ही जाती है। लेकिन इस बार भारतीय टीम ने पाकिस्तान की टीम को इस मैच में रोमांचक हद तक जाने ही नहीं दिया। हुआ ये कि पाकिस्तान की टीम 191 रन पर ही ढेर हो गई और यहाँ पर भारतीय टीम को 192 रन का लक्ष्य मिला। और वर्ल्ड कप का यह मुकाबला भारत की टीम ने मात्र 31वें ओवर की तीसरी गेंद पर ही जीत लिया और 7 विकेट से दर्ज करके भारत की टीम अब पॉइंट टेबल में नंबर 1 भी बन चुकी है। हालांकि आपको बता दें कि भारतीय टीम के इस जबरदस्त प्रदर्शन के आगे बाबर आजम के 50 रन तो वहीं मोहम्मद रिजवान की 49 रन की पारी हर जगह फीकी सी ही नजर आ रही है। अब दोस्तों यहां पर आप तो जानते ही हैं कि भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। हालांकि शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय कप्तान का यह फैसला बिल्कुल गलत साबित होगा, लेकिन मुकाबला जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया तो भारत के गेंदबाज बुमराह और कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के बल्लेबाजों को यहां टिकने ही नहीं दिया। बस बाबर आजम ने मोहम्मद रिजवान के साथ मिलकर एक अर्धशतकीय साझेदारी की, बाकी कोई भी बल्लेबाज यहां 30 से ज्यादा रन भी नहीं बना पाया, जैसे कि आप यहां पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। लेकिन भारतीय टीम की तरफ से जब रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत की तो यहां पर रोहित शर्मा ने 63 गेंदों में 6 चौके और 6 छक्कों की बदौलत 86 रन जड़ डाले, तो वहीं शुभमन गिल और कोहली तो 16 रन बनाकर ही आउट हो गए। लेकिन श्रेयस अय्यर ने अर्धशतक पूरा करते हुए 53 रन बनाए जिसके चलते भारतीय टीम 7 विकेट से यह मुकाबला जीतने में कामयाब हो पाई। और दोस्तों आप तो जानती हैं कि भारतीय टीम जब भी मुकाबला जीतती है तो देश दुनिया भर में खलबली मच जाती है। और अब भारत की होते हुए भी सानिया मिर्जा ने भारतीय टीम पर ही आग बबूला कर देने वाली बात कही। जी हां दोस्तों, भारत की जीत से सानिया मिर्जा खुश नजर नहीं आई। इस दौरान उन्होंने कहा, आखिरकार भारत ने वही किया जिसका मुझे अनुमान था। भारतीय टीम बेईमानी करे बिना कभी भी रह नहीं सकती। एम्पायर से पहले बेईमानी करवाई और पैसे के दम पर ही भारत हमेशा मुकाबलों को जीतता आया है और आगे भी जीतेगा। आखिरकार यह वर्ल्ड कप चल रहा है या फिर कोई मजाक? ICC से मेरी विनती है कि वो भारतीय टीम पर नजर रखे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक समय मेरे पाकिस्तान के बल्लेबाज 155 रन पर अपने 2 विकेट गंवा कर खेल रहे थे। क्या बाबर आजम के विकेट के बाद सबने ठान लिया था कि उनको 2-4 रन बनाकर ही आउट होना है? इसमें पूरी दुनिया को गड़बड़ी नजर आ रही है। भारत ने न जाने कौन सी चाल चली कि मेरे पाकिस्तान के खिलाड़ी एक के बाद एक आउट होते चले गए। साफ तौर पर भारत ने बेईमानी अपने गेंदबाजों और एम्पायर के साथ मिलकर की है या फिर ये पिच में ही कोई गड़बड़ी उन्होंने की थी जो कि भारत के हित में ही रही। अगर भारत हमारे पाकिस्तान में आकर कभी मुकाबला खेला तो हम बताएंगे कि उनको बेईमानी से कैसे हराया जाता है। अभी तो भले वो जीत गए बेईमानी करके, लेकिन आगे कभी जीत नहीं पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सानिया मिर्जा की ये बात सुनने के बाद हार्दिक पांड्या काफी ज्यादा भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने मुंहतोड़ करारा जवाब देते हुए बोला, हमारी टीम जब भी मैदान पर उतरती है तो हम ईमानदारी के साथ मैच को जीतना जानते हैं, ना कि पाकिस्तान की तरह बेईमानी करके। हम ना पैसों के दम पर मैच जीते हैं। अगर यकीन ना हो तो हम पाकिस्तान में आकर भी पाकिस्तान की टीम को अगर 300 रन से ना हरा दे तो बात रही, जाकर अपनी पाकिस्तान की टीम को सुधारने का काम करो, ना कि इस बात पर ध्यान दो कि भारत मैच कैसे जीत रहा है। रोहित भैया की बल्लेबाजी आज पाकिस्तान की टीम को ले डूबी और हमारे गेंदबाज बुमराह, कुलदीप और जडेजा आपकी पाकिस्तान की टीम से कई गुना बेहतर है। और अगर मैच कराना ही है तो पाकिस्तान में एक मुकाबला करा ही लो, वहां भी 200-300 रन से तुम्हें हराएंगे। तो दोस्तों यहां पर यह बात कहकर हार्दिक पांड्या ने करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों को जीत लिया। बाकी अब आप सभी क्या मानते हैं कि हार्दिक पांड्या ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है फिर गलत? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।